हेलो, आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। एक छोटा 4 साल का बच्चा मेरे हॉस्पिटल में उसके रिश्तेदारों के साथ में आया था, तो वो काफी नाच रहा था, कूद रहा था। तो उसको मैंने पूछा कि भाई क्यों इतने खुश हो, तो ये कि अंकल खुश होने के लिए कोई कारण चाहिए क्या? तो मुझे एकदम लाइट लग गया। मतलब सच्चे खुश होने के लिए कारण चाहिए क्या? क्या हम बिना कारण के खुश हो सकते हैं? होता क्या है कि हमको सबके लिए कारण चाहिए, हर व्यक्ति को सबके लिए कारण चाहिए। दुखी हो गए तो क्यों दुखी हो, खुश हो गए तो क्यों खुश हो, मतलब हर बात के लिए हमको, कोई गुस्सा आ गया तो गुस्सा क्यों है, नर्वस हो गए तो क्यों नर्वस हो गए। खुशी के लिए भी लोगों को कारण चाहिए, बच्चों को खुशी के लिए कारण नहीं चाहिए। नो रीजन टू बी हैप्पी। तो हम ऐसा कोई भी काम हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिसमें हमको कोई कारण ही नहीं है? क्योंकि जब हम खुशी के लिए कारण बाहर ढूंढते हैं, देखो हमारा होता क्या है कि हमको कुछ ना कुछ बाहर से चाहिए तो हम खुश होते। प्रमोशन मिला तो खुश हो गए, पैसा मिला तो खुश हो गए, एग्जाम में अच्छे मार्क मिले तो खुश हो गए, लोग मिलने आए तो खुश हो गए, किसी ने गुस्सा किया तो दुखी हो गए, धंधा अच्छे चला तो खुश हो गए, धंधा डाउन हो गया तो दुख हो गए, मतलब दुखी हो गए। तो ऐसा हर बात के लिए तो फिर हुआ क्या कि हम क्या कर रहे हैं, ऑल द टाइम वी आर सर्वाइविंग, हम जीवन जी रहे हैं, मतलब काट रहे, जिंदगी काट रहे, और हमको दुख और सुख का कारण बाहर से हमको मिल रहा है। अभी ये जिंदगी हो सकती है क्या कि भाई मेरी जो खुशी है वो बाहर के कोई भी वातावरण के कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरे ऊपर ही निर्भर है, और मैं जैसा जब चाहूंगा तो खुश होगा, जब चाहूंगा तो नहीं होगा। तो गेम जो है कि भी कैसा भी करके जीवित रहना है, जिंदगी काटना है, सरवाइव करना है, वो गेम ही खत्म हो जाएगा। लोग बोलेंगे फिर कोई काम नहीं करना क्या, कोई पैसा नहीं कमाने का? मतलब बिल्कुल करो, पैसा कमाओ, काम भी करो, कार भी खरीदो, बंगला भी बांधो, सब करो, मगर आपकी खुशी जो है वो बाहर के वातावरण में कोई भी बदलाव से आपकी खुशी नहीं है। जो खुशी आपको मिल रही है वो अंदरूनी है। तो अंदरून कैसी खुशी होगी? ऐसा बोला जाता है कि जब आपको खुशी चाहिए तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना, बस वहां से खुश हो जाओ, जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर प्यार करना चाहो। ऐसा बोला जाता है कि चूज ए जॉब ऑफ योर चॉइस एंड यू नीड नॉट हैव टू वर्क फॉर ए सिंगल डे इन योर लाइफ। आप जिसकी जिसकी जिसमें आपका प्यार है, उसकी चाहत है, वो काम करो, और वो काम यदि आप करते हैं तो जिंदगी भर आपको काम करने की जरूरत ही नहीं। हम और खुश कहां से होते हैं? मतलब पैसा, गाड़ी, बंगला यहां से नहीं होती है, लोगों ने हमको मान सम्मान दिया तो वहां से खुश होते हैं। तो मोदी जी ने काम तो जो आपको मन में चाहे, मतलब मन को जो खुशी हो रही वो काम करो, और दूसरा वो काम अच्छा हो गया नहीं हुआ जो भी है उसके लिए लोगों की तरफ मत देखो कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा क्या। क्योंकि अगर हम काम तो करते हैं और लोगों से प्रशंसा मिली, धन्यवाद मिले, एक्नॉलेजमेंट मिला, तुमको बहुत अच्छा लगता है। तो वो बात ही नहीं कि भाई हम किसी के धन्यवाद के मतलब अपेक्षा में है, या कोई हमको तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, कोई हमको बोला अप्रिशिएट करेगा, बोला वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, वेल डन, बहुत ही अच्छा है, मतलब उसके लिए काम करने का नहीं। काम जो करने का है वो अपने खुद के लिए करने का, खुद को आनंद मिलाने के लिए करने का। और जो आप काम करें उसके ऊपर प्यार करते हैं ना, तो आपको वहीं से आनंद मिलेगा। और फिर वो यदि आपकी कमाई का साधन है, जहां से प्यार मिल रहा है वही काम आपकी कमाई का साधन है, फिर तो बहुत ही अच्छा है, दूध में ही शक्कर, वहां से फिर पैसा लगे उतना मिल जाएगा। हमारा पूरा काम जो है वो एक, वो पूरे काम में मैं एक स्टोरी बताते रहता हूं, वो स्टोरी ऐसी है, एक कहानी है कि एक व्यक्ति, एक आदमी अपने घर पे शाम को 6:30-7 बजे आया, और आने के बाद में वो एक अपना घर का अखबार पढ़ रहा था। वो सब कहानी और मतलब अखबार में छपी हुई कहानियां जो है, या जो जो भी कोई वार्ता है, खबर है,
उसके ऊपर कहीं मुंबई में क्या हो गया, कलकत्ता में क्या हो गया, ये सिटी में क्या हो गया, ऐसे पढ़ रहा था और उसको इंटरेस्ट उसमें काफी था कि थक के आए तो अपने को भी आराम से चाय पियेंगे, पेपर पढ़ेंगे। उसकी 6 साल की लड़की वहां दौड़ते दौड़ते आई और उसको चाहिए था कि उसके डैडी ने, उसके पिताजी ने उसके साथ में खेलना कर दिया, तो उनको बोलो डैडी मेरे से खेलो, डैडी मेरे से खेलो, उसको कोई उसमें बच्चे के साथ में खेलने में इंटरेस्ट नहीं, उसको तो पेपर पढ़ना है। तो उसने फिर क्या किया कि जब वो बहुत ही पीछा करने लगी ने मेरे से खेलो मेरे से खेलो, तो वहां एक दूसरा अखबार पड़ा हुआ था उसके ऊपर पहले फ्रंट पेज के ऊपर एक कुरियर कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था और वो जाहिरात में उन्होंने लिखा था कि भाई वो कुरियर कंपनी पूरे दुनिया में कैसी कैसी सर्विस, कुरियर का काम कैसा कैसा करती है, सर्विस देती है, उसके लिए उन्होंने पूरा दुनिया का मैप उन्होंने छापा हुआ था। तो जैसा पिताजी ने अभी बच्चे को कुछ तो भी बहलाना है या कुछ तो भी वहां से काटना है करके उसने क्या किया, कागज निकाला, उसके टुकड़े टुकड़े किए और खुद ये बोले तो ऐसा कर तुझे वर्ल्ड मैप जो है ना ये पूरा जोड़ के ला, तो जो वर्ल्ड मैप जब जोड़ के लाएगा ना तो फिर मैं तेरे साथ में खेलूंगा। अब वो लड़की बहुत होशियार थी, वो गई और 10 मिनट में उसने पूरा दुनिया का जो नक्शा था वो पूरा तैयार करके ला और वो उसके पिताजी एकदम शॉक हो गए, अरे ये हुआ कैसे। तो वो लड़की बहुत होशियार थी, वो बोले डैडी आपको तो बहुत शौक लगी होंगी कि मैंने इतने जल्दी लाया कैसे। जब आप वो जो अखबार का जो कागज था उसके टुकड़े टुकड़े आप कर रहे थे तब उसके दूसरे बाजू एक इंसान का चेहरे का फोटो था। जब आप टुकड़े कर रहे थे तो मैंने देखा था कि वो जो चेहरा है ना वो पूरा मैंने पक्का ठान लिया था, जब टुकड़े किए मैंने पूरे टुकड़े उठाए और वो चेहरा जो है मुझे ये पक्का है पता है कि नाक कहां है, नाक कहां है, कान कहां है, आंखें कहां है, मुंह कहां है, है ना, तो ये सब मुझे मालूम है। तो मैंने क्या किया, वो आदमी का जो फोटो था उसको जोड़ी, मुझे ये नहीं मालूम कि ऑस्ट्रेलिया कहां है, इंग्लैंड कहां है, न्यूजीलैंड कहां है, इंडिया कहां है, पाकिस्तान कहां है, वो मालूम नहीं है, मगर मुझे व्यक्ति जो है उसका पूरा जो अवयव है वो पूरे मालूम है उसका कहां कहां है, मैंने वो जोड़ लिया तो पूरी दुनिया जुड़ गई। तात्पर्य ये है स्टोरी का कि हर व्यक्ति को हम राइट करते हैं, हर व्यक्ति को सीधा करते हैं, राइट करते हैं, हर व्यक्ति को जोड़ते हैं, हर व्यक्ति में परिवर्तन आता है, तो एक 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 व्यक्ति करके समूह बनता है और उसे पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो ये हम करते क्या है, इन्हें नहीं, हमको लोगों से बहुत अपेक्षा है, लोगों ने बदलना चाहिए, लोगों ने बदलना चाहिए, लोगों ने बदलना चाहिए, और फिर लोग बदले, लोग मेरे मन जैसा करने की मेरे को खुशी हो जाएगी। लोग बदलते नहीं है, हमने लोगों से अपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए। लोग अपने मन के हिसाब से काम करेंगे नहीं, अपेक्षा करेंगे नहीं, यदि करना ही है लोगों से अपेक्षा तो अपेक्षा मत करो, करना ही अपेक्षा है तो खुद से करो। मैं हरदम ये बोलता हूं कि लोगों से कोई भी अपेक्षा मत करो और करने के पहले वो पूरी अपेक्षा अपने ऊपर डालो कि भाई वो अपेक्षा है जो मैं लोगों से कर रहा हूं, क्या वो अपेक्षा मैं पूरी कर रहा हूं, तो वो हमको देखने का है कि भाई वो अपेक्षा मैं पूरी कर रहा कि नहीं कर रहा, क्योंकि जब अपेक्षा करते हैं तो अपेक्षा भंग जल्दी हो जाता है और अपसेट जल्दी हो जाता है। ऐसा मैं बात कर रहा था अभी अपेक्षा का, ऐसा कि हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, बोलता हूं कि प्रशंसा मत करो, मतलब प्रशंसा करने की अपेक्षा मत करो कि लोग मेरे को प्रशंसा करेंगे, जो आपको चाहिए वो देना चालू करो। आपको प्रशंसा चाहिए लोगों की प्रशंसा करो, तारीफ करो, आपको धन्यवाद चाहिए लोगों को धन्यवाद, आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए लोगों को एक्नॉलेज करो। लोगों को यदि आप एक्नॉलेज करते हैं, लोगों को यदि आप तारीफ करते हैं तो लोग बहुत बड़े हो जाते हैं और आजू बाजू वाले लोग जब बड़े हो जाएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जो चाहिए वो लोगों को देना चालू करो, प्रशंसा तारीफ की अपेक्षा मत करो। लोग तो तारीफ के प्रशंसा के इतने प्यासे हैं, इतनी उनको भूख है लोगों को, मतलब ये इंसानियत को है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो मेहमान को आपने कुछ खाना नहीं खिलाया, कुछ पीने का नहीं पूछा तो एक बार का चलेगा, मगर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रशंसा कर रहे हैं, उसको बहुत महत्व का आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो है ऐसा मतलब उससे बर्ताव कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो उसका तारीफ का बहुत प्यासा है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने तारीफ के लिए खोज कर रहे, मेरी तारीफ कौन करे, फिर वो तारीफ करने वाला आप बनो, और आप जब लोगों की तारीफ करेंगे हो सकता है कि फिर आपकी भी तारीफ हो जाएगी।
तो बस आखिरी मतलब जो शब्द मुझे बोलने वो ये है, वे हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, खुशियां, आनंद, तो वो कोई व्यक्ति में नहीं है, कोई वातावरण में नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो अपने अंदर है, अपने को यहां ढूंढना पड़ता है, हमको हमारे हमारे दिमाग में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको राइट करना पड़ता है, उसको खुश करना पड़ता है, तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आप इससे ज्यादा और जानकारी करना है तो आप हमारे वीडियो जो है वो काफी सारे यूट्यूब पे है, वो चैनल आप देख सकते हैं, फेसबुक आप लाइक कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप जाके काफी सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। ऑडियो जंगल।